आज़ादी के बाद से इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत भदवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीण करीब 10 वर्षों से ग्रामीण जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद तथा जिले के आला अधिकारियों को लगातार प्रार्थना पत्र सौंप रहे हैं। विगत वर्ष पहले हुए विधायकी चुनाव में समस्या को लेकर ग्रामीण मतदान बहिष्कार भी कर चुके हैं। पंचायत में कुल मतदाता करीब 2000 हैं। इस गांव के गोहन हवा, तेंदुआ नगर आदि मजरे शामिल हैं। विगत दिनों गांव की समस्याओं को ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री महोदय को जनता दरबार में सौंपा प्रार्थना पत्र। यहां भी मुख्य समस्या सड़क, पेयजल, नाली, पंचायत भवन एवं विवाह भवन को लेकर है। इस गांव में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से गांव के मुख्य मार्ग पर जल भराव की समस्या बनी रहती है। मुख्य मार्ग पर गंदा पानी भरा होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बाबूलाल मौर्या, ग्राम पंचायत में रहते हैं। ग्राम पंचायत तेंदुआ नगर, राजस्व गांव भदवार। हमारे यहाँ सर समस्या यह है कि हमारा गांव चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। 3-4 किलोमीटर आने जाने में इतना बरसात में कठिनाई होती है कि बीच बीच में घटना भी हो जाती है कि साधन विहीन है। आज तक न वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकता है, न वहाँ पानी टंकी की सुविधा, पेयजल की सुविधा है, न वहाँ बोरिंग है, सिंचाई भी नहीं है। रास्ता सड़क के बारे में हम लोग कई लोगों से इस बात को अवगत कराए, 5-6 महीने से परेशान है, लेकिन आज तक अभी उसमें कोई ये निकाल हुआ हो। अब उसके बाद में सिद्धा जी को कई जगह भेजा गया, कागज गया, हम लोग भी जी को दिया गया, फिर साकेत मिश्रा जी को दिया गया है, डीएम महोदय को दिया गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर अक्सर अब यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क हो जाए, बिजली की सुविधा हो जाए, पानी की, पेयजल की सुविधा हो जाए। अगर बिजली नहीं है तो चारों तरफ जंगल घिरा हुआ है, अंधेरे का फायदा जानवर उठा करके बच्चों को उठा ले जाते हैं। 27 अगस्त 2013 में एक बच्चे को भी उठा ले गया था केवल अंधेरे की वजह से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।